এখন আমাদের যে ব্লগার শিউলি মাম্পি নন্দী এখন যাচ্ছে हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी लाइट्स एंड संतोष यादव। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पूरी पे होने वाली है। पूरी एक जगह है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए इस तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने होटल मतलब स्टेशन से जाते ही हमने ये चेक इन किया होटल सैफियर। सो होटल के जस्ट पास में ही था ये बीच, जो हम बीच पर आ गए हैं। यहाँ पर राकेश नंदी जी चाय को इन्जॉय कर रहे हैं। यस, चाय ख़त्म हो गया बट व्यू तो खत्म नहीं हुआ। व्यू बहुत अच्छा है। ये चीज अच्छी करी आपने डस्टबिन में फेंका, वरना लोग बीच को बहुत गंदा करते हैं। डस्टबिन में ही फेंके, बीच को गंदा ना करे। ओ शाहरुख खान बारिश नहीं हो रही है राकेश। राकेश यार तुम क्यों आए भाई, बारिश में भीगने हुए, तबीयत खराब थी तुम्हारी, सर्दी हो रखी है तुम्हें। सर्दी है, जर है, फिर भी मैंने आ गया फ्रेंड के साथ घूमने के लिए। इस व्यू के लिए तो यार आ ही सकते हो। यहाँ से जाने का मन तो कर ही नहीं रहा था, देखते देखते यहाँ 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला हमें। चलिए फिर निकलते हैं जगन्नाथ पुरी टेंपल के लिए, वहाँ आपसे मिलते हैं डायरेक्ट। 2 hours later सो ये है पुरी जगन्नाथ, मतलब 4 धाम में से 1 धाम है ये पुरी जगन्नाथ टेंपल है ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कितना शानदार मंदिर है ये। मतलब जब भी आओ यहाँ पे आपको मन की शांति मिलेगी। जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। जगन्नाथ मंदिर में मतलब ओनली हिंदूज आर अलाउड, मतलब हिंदू लोग ही आ सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पे आप फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये काउंटर वगैरह बना रखे हैं यहाँ आपके, मतलब स्लीपर्स वगैरह जमा होते हैं, साथ के साथ फ़ोन भी जमा होता है। यहाँ पे काउंटर दे रखा है, अगर आप फ़ोन लेके आते हैं तो आप जमा करवा सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा वैसे मंदिर में जाके, मतलब बहुत शांति मिल रही। बहुत टाइम पहले गया था मैं, करीब 8-10 साल पहले, पर अच्छा लगा जाके। तिमिर रंदी तुम्हें कुछ का खबर जो वेट कर संतोष यादव तुम कुछ का क्यों नहीं आ रहा है? हाँ एखनो फुचका एलो ना केनो? राकेश नंदी जी रात को तो बीच का अलग ही वो है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। हैं कैसा लग रहा है बीच? बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। रात में दिखने का नजारा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ है यहीं पे होटल में, तो वही ब्रेकफास्ट करने आए हैं। चलिए, वैसे तो रुकने का प्लान तो था यहाँ दो दिन, पर अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी लाइट्स। अभी हम आ चुके हैं पूरी के होटल में और ये देख सकते हैं हमने इस बार कुछ हटके लिया है। होटल छोड़ के हमने ये 1 BHK का फ्लैट लिया है। आप देख सकते हैं ये है हॉल और ये हमारा छोटा सा किचन जिसमें राकेश नंदी जी कुछ बना रहे हैं। राकेश क्या बना रहे हो? बॉयल्ड अंडा बना रहे हैं, ये देखिए। और ये रूम है, ये देख लीजिए, ये तिमिर नंदी जी रूम में है। और ये है वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम आप देख सकते हैं। गीजर भी है इसके अंदर, बाकी ये कुछ AC वगैरह है। और ये एक मिरर और यहाँ पे एक खिड़की भी है। और इसमें रूम में एक और अच्छी बात है, वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक बालकनी भी है, शाम को अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। देखिए शानदार व्यू है बालकनी का। और ये कुछ शानदार व्यू बालकनी से, यहाँ पे सही लंबी बालकनी है, आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कटलरीज वगैरह भी मिल जाएगी, सब कुछ बनाने के लिए देख सकते हैं। प्लेट वगैरह जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे ये प्लेट्स वगैरह भी है, कढ़ाई। और यहाँ पे आपको मिक्सी भी मिल जाएगा आपको, और बाकी बर्तन वगैरह भी, ठीक है। और यहाँ पे वो एग बॉइल्ड हो रहा है, बाहर सलाद रखा हुआ है। और ये कुछ देख सकते हैं रूम। हम निकल गए हैं अपने अपार्टमेंट से। राकेश जी कहाँ जा रहे हैं? हम न्यू वृंदावन। राकेश जी थोड़े गुस्से में देख रहे हो, चिकना चिकना बन के कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों? गुस्सा क्यों है तो बताओ। गुस्सा हो, देख रहे हो कैसे बात कर रहे हैं हमसे। तिमिर जी क्यों गुस्सा है बता दीजिए। देख रहे हो, हाथ भी हटा देना, गुस्सा। देखो गाइस, ये देख लो इनका मुंह। सो हमने यहाँ पूरी में स्कूटी रेंट पे ली थी, लगभग उसका किराया था, मतलब एक दिन का पड़ा था हमें 350 से 400 के, मतलब मान के चलो आप, विदाउट पेट्रोल। और हम लोग न्यू वृंदावन जा रहे हैं। वैसे ये मतलब हमारे होटल से थोड़ा पास था तो वहीं हम लोग जा रहे थे। तो आप रास्ता देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है वहाँ पे, मतलब कैसे कैसे करके हम पहुँचे, बहुत ज़्यादा ही, मतलब देख सकते हैं पूरी रोड पानी के अंदर, मतलब पता ही नहीं लग रहा था हमें। खतरनाक है, पूरे रोड पे पानी भरा था, कैसे कैसे चला के लाए। ये राकेश नंदी पैदल आ रहे हैं और मैं स्कूटी पे था। तिमिर नंदी जी कैसा लग रहा है पांव भिगा के? सो अभी हम वापस आ चुके हैं यहाँ पे, मतलब ये पता नहीं कौन सी जगह थी, वहीं हम गाड़ी रोका थोड़ा आए, मतलब मंदिर था एक छोटा सा, तो वहीं हमने बाहर थोड़ी फोटोज वगैरह ली। 2 hours later।
सो इतना घूमने के बाद वापस हम पूरी जगन्नाथ मंदिर के बाहर आए तो हमने देखा मतलब आज विसर्जन है, जितने भी दुर्गा माता की मूर्ति वगैरह बना रखी है वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर आके जितने भी मूर्ति वगैरह है सब गाड़ी से लाइन बाय लाइन आके लग रही थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने कुछ वीडियो लिया था मतलब फुटेज वगैरह, तो आप देख सकते हैं कुछ होटल्स मतलब हम लोग जा रहे थे वापस होटल में अपने फ्लैट में, तो रास्ते में बीच आया तो वही बीच में ही रुक गए स्वर्ग द्वार के सामने। लाल मुड़ी देखा, टेस्ट क्या मन संतोष? दारुण, बहुत अच्छा। तिमिर नंदी टेस्ट क्या मन? बहुत अच्छा। खाना भी आ चुका है अपना, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लिया है हमने, बस बाकी खाने के लिए तैयार। ओके।